अकाली दल गठबंधन को 5, बीजेपी गठबंधन को 1, अन्य को 0। और ये वो माझा रीजन है नाविका जी जहां आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुला था, तो वो सीधे 0 से उठकर 15 पर जा रही है। और आप देखिए अकाली दल कांग्रेस से आगे नजर आ रही है माझा रीजन में। अकाली दल 5 पे है और कांग्रेस 4 पे है, तो अकाली दल इस वक्त कांग्रेस से आगे है 4, 15 और 5। कांग्रेस, आप और अकाली दल और बीजेपी और अमरिंदर सिंह जी इकट्ठे लड़ रहे पंजाब लोक कांग्रेस, एक सीट है उनको, लेकिन ये जो नंबर दिख रहे हैं इसमें पहले ही आपकी बढ़त हो चुकी है। और इतनी बढ़त अगर मांझा में है तो मालवा तो कहा जाता है आम आदमी पार्टी का गढ़ है, तो मालवा रीजन में क्या होगा? ओहो, मेरी छड़ी रह गई है। मैंने आपके लिए नहीं, छड़ी कम लग रही है, मुझे लग रहा है आप बिलियर्ड्स खेलते खेलते यहाँ आई हैं। बताइए, मेरे मैं अभी बता सकती हूँ कि ये छड़ी है या बिलियर्ड्स की है, पर ये माझा है। अब मालवा पर जब आएंगे तो ये चुनावी नतीजे कैसे होने वाले हैं हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। पहले मालवा ये सस्पेंस बढ़ाए चले जा रहे हैं। अब दोआबा रीजन आएगा और दोआबे में 6 कांग्रेस के, 11 आम आदमी पार्टी के और 5 शिरोमणि अकाली दल के, तो 23 सीटें हैं दोआबा में, जिसमें से फिर आम आदमी पार्टी की बढ़त आपको नजर आ रही है। तो एग्जिट पोल कम से कम दिखा रहा है कि आम आदमी पार्टी बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में है दोआबा में। और माझा में उनका पहले कुछ भी नहीं था, सब कुछ मालवा में था, लेकिन अब दोनों जगह पर उन्होंने 26 सीटें समेट ली हैं इन दो रीजन। तो अभी तो तक हमने जो दो रीजन बताए उसमें 48 सीटें हमने बताई हैं, और उस 48 में से 26 आम आदमी पार्टी के पास जा रही हैं, 10 कांग्रेस के पास, 10 अकाली के पास। तो कांग्रेस और अकाली जो है वो टक्कर में दिख रहे हैं, आम आदमी पार्टी को क्लियर लीड दिख रही है दो रीजन के अंदर। बिल्कुल, मालवा बताएं, उससे पहले जल्दी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। आप दोनों को लग रहा है ये स्थिति बन सकती है आशुतोष? बिल्कुल बन सकती है, मुझे तो लग रहा है दिसंबर तक अरविंद केजरीवाल पंजाब के चीफ मिनिस्टर होंगे। दिसंबर तक क्यों? थोड़ा टाइम देंगे ना, इमीडिएटली नहीं। अच्छा, चन्नी साहब कुछ बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं चन्नी साहब का क्या कहना है। जो है बक्से ही बताएंगे कि क्या होना है, तो इंतजार कीजिए 10 तारीख का। कह रहे हैं अभी 10 तारीख का इंतजार कीजिए। देखिए एग्जिट पोल में कह रहे हैं बक्से में है रिजल्ट, क्योंकि अभी थोड़े कम नंबर आ रहे हैं उनको, तो शायद नंबर पसंद नहीं आए, कह रहे हैं 10 तारीख को ही। जल्दी से दो मेहमान और हैं। अवधेश जी, आपको लग रहा है ये दो रीजन ऐसा रह सकता है जैसा दिख रहा है एग्जिट पोल में? देखिए आम आदमी पार्टी को बढ़त है दोनों रीजन में, अभी हम मालवा पे नहीं आए, वो तो मैंने देख लिया है दोनों में बढ़त। मालवा के रिजल्ट आ चुके हैं, बिल्कुल देरी नहीं करनी है। मालवा में कांग्रेस को 12 और आम आदमी पार्टी को 44, 18 थे पिछली बार, टोटल स्वीप है। तो ये अगर आप चुनावी, ये 69 सीट्स का रीजन है, 44 जा रहे हैं आम आदमी पार्टी को, तो मालवा जो है आम आदमी पार्टी को ले गया बेड़ा पार। और इस वक्त अगर आप टोटल करें तो 26 और 44, 70 सीटें, यानी कि क्लीन स्वीप। आशुतोष जी, मैं कीपिंग माय फिंगर क्रॉस, क्योंकि पिछली बार भी जब एग्जिट पोल हुए थे तो उस वक्त भी आम आदमी पार्टी को बहुत ज्यादा सीटें दी गई थी, 70-80 सीटें भी दी गई थी, और बाद में जब रिजल्ट आया तो वो थोड़ा सा बिल्कुल उल्टा हो गया। सर, मैं थोड़ा सा मान लीजिए, एक बार रिजल्ट हम ओवरऑल रिजल्ट बता दें, कांग्रेस पार्टी को पंजाब में 22 सीटें आती दिख रही हैं एग्जिट पोल में, आम आदमी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी और बढ़त है 70 सीटों के साथ, अकाली दल को 19 है, तो कांग्रेस और अकाली बिल्कुल नेक टू नेक चल रहे हैं इस एग्जिट पोल में। बीजेपी और कैप्टन को 5 सीटें आती दिख रही हैं, जो कि शुरुआत के लिहाज से, और बीजेपी जब जिसका वहां अस्तित्व नहीं है वो बहुत बुरा परफॉर्मेंस नहीं है, और अन्य को 1 सीट आती दिख रही है। लेकिन सबसे बड़ा नंबर जो है देखने वाला ये इसके बाद तो जिसको कहते हैं कि कहानी खत्म। मैं सबसे ज्यादा पूछना चाहती हूँ, आप कह रहे हैं और मैं भी कहती हूँ कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं होते, तो 10 मार्च तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर ये चुनावी नतीजे एग्जिट पोल के नतीजे, इसका मैं एग्जिट पोल पे सवाल नहीं खड़े कर रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार भी अगर आपको याद होगा 2017 में ओपिनियन पोल्स ने भी आम आदमी पार्टी को किसी ने तो 100 सीट्स तक दे रखी थी,
और एग्जिट पोल ने भी करीब 60 से 70 सीटें आम आदमी पार्टी को दी थी, लेकिन नतीजे बिल्कुल उल्टे आए थे। अब ये ऐसा क्यों हुआ था मुझे अभी तक पता नहीं चला, लेकिन आज की तारीख में मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी बहुत बुरा कर रही है, समाज शिरोमणि अकाली दल अच्छा कर रही है, और बीजेपी जो है वो 5 सीटें मिल रही हैं। मुझे जो पाँच सीटें इस पर थोड़ा सा संदेह है, क्योंकि बीजेपी और अमरिंदर का कोई कॉम्बिनेशन वहाँ बनता नहीं है। आई एम स्टिल कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस का मतलब कि आप चाहते हैं कि आप आए या ना आए? नहीं, हमारे चाहने का प्रश्न नहीं। मैं कह रहा हूँ कि चूंकि 2017 में ये गड़बड़ी हो चुकी और सबने मान लिया था कि आम आदमी पार्टी जो है वो तो सरकार बना ही नहीं होती। हाँ, नहीं नहीं, वोटर एक ही गलती दो बार करता है नहीं करता, ये इंपॉर्टेंट बात है। करता है कि नहीं करता है वोटर? न्यूज चैनल्स दो बार कर सकते हैं। एक बात बताइए, आप कह रहे थे दिसंबर तक आप केजरीवाल जी को पंजाब का मुख्यमंत्री देख रहे हैं। हाँ। दिल्ली का मुख्यमंत्री आपके बगल में भी हो सकता है। इनको फिर एक अलग से पार्टी बनानी पड़ेगी और आप उसके जनरल सेक्रेटरी हो जाएंगे। ये स्टूडियो अगर यहाँ पर मुख्यमंत्री बना रहा है तो ये एक अजीब ही खेल हो जाएगा। यहाँ एग्जिट पोल नहीं, यहाँ एक स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन बन रही है। तो लेकिन आनंद रंगनाथन, ऑन अ सीरियस नोट मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक में शायद कांग्रेस पार्टी हिट विकेट हो गई, शायद, अगर ये नंबर सही है। लेकिन जो आतंकवाद का मुद्दा उठाया गया था लास्ट के दो दिनों में, कुमार विश्वास का जो एक स्टेटमेंट था, उसके बाद बीजेपी ने ये समान ये बहुत उछाला था ये मुद्दा, आपको लगता है इसका कोई खामियाजा नहीं हुआ आम आदमी पार्टी को, क्योंकि ये एग्जिट पोल के नतीजे तो यही दिखा रहे हैं? जी बिल्कुल, और मुझे इसमें दो तीन चीज़ें लगती हैं। एक ये कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, सिक्योरिटी और जो खालिस्तान पे कंसर्न था उसका कोई इस पर इफेक्ट नहीं हुआ है। दूसरा, आप अगर आप देखें पिछले 3-4 महीने से कंसिस्टेंटली उन्होंने ये बात छुपा दी है कि उनको भी फार्म बिल्स चाहिए थे, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था। तो ये प्रोपेगेंडा जो है उनका कि भाई हम फार्मर्स के साथ थे, हमें मतलब या बिचौलियों के साथ थे, हमें फार्म बिल्स नहीं चाहिए थे, हमें ये रिफॉर्म्स नहीं चाहिए थे, ये लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो कांग्रेस को तो खामियाजा हुआ, वो सिद्धू फैक्टर। लेकिन एक प्रश्न है इसमें, जब चूंकि हम फार्म बिल पर आ गए हैं, कि अगर किसानों का आंदोलन जो पंजाब से मुख्य तौर पर चला, उसको अगर जो दो पार्टियां सबसे ज्यादा सपोर्ट पंजाब में कर रही थी, एक कांग्रेस और एक अकाली, अगर वो कमजोर पड़ रही हैं और यहाँ सिर्फ वाईफाई राघव चड्ढा जाकर लखवा दें और 70 सीट आ जाए, तो इसका मतलब या तो वो किसान आंदोलन का कोई इम्पैक्ट था नहीं पंजाब चुनाव पर, या फिर जो दिखाया गया वो हुआ नहीं। नहीं, इसमें देखिए, मैं अभी आपके भी आप इसको सफलता कह लें या सक्सेस कह लें, क्योंकि ये इनके दोनों के मैनिफेस्टो में था ये। अब आप किसी रैली में कह सकते हैं, वचन दे सकते हैं, उस पर आप मुकर जाएं वो अलग बात है, लेकिन जो आपने अपने पंजाब के मैनिफेस्टो में कह रखा है उससे आप मुकर जाएं और फिर आपका ये रिजल्ट ऐसा है क्लीन स्वीप, इसका मतलब कि लोगों ने कुछ हद तक चाहते हैं कि इतना फेडअप हो गए हैं वो कांग्रेस के जो सिद्धू फैक्टर है, और दूसरा वो SID को वापस नहीं लाना चाहते। अगर आपने जब बात करी थी कि आपको पहले भी पिछले 5 साल पहले 80-100 लोग दे रहे थे, वो इतनी ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी थी SID के अगेंस्ट कि कांग्रेस के अगेंस्ट इतनी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, तो मैं आपकी वो बात मान सकता हूँ कि इस बार जो है कुछ ज़्यादा ही देखिए अच्छा वोट परसेंटेज नहीं आए हैं इसमें सुशांत। वोट परसेंटेज मैं यही कहने वाली थी कि अब समय हो गया है कि अगर वोट परसेंटेज हमें दिख जाए तो हम उसका भी विश्लेषण कर सकें यहाँ पर। तो पंजाब के वोट परसेंटेज अगर हमारे सामने आ जाए, टोटल नंबर 70 आम आदमी पार्टी, 22 कांग्रेस और 19 शिरोमणि अकाली दल, बीजेपी के 5 और अदर्स का 1, लेकिन वोट परसेंटेज अगर देखा जाए तो वोट परसेंटेज में बीजेपी को 8%, यानी कैप्टन और बीजेपी को 8%, 23% वोट है शिरोमणि अकाली दल की, और संयुक्त समाज मोर्चा 3.5%, लेकिन आम आदमी पार्टी 40.5% और कांग्रेस सिर्फ 24% पर, तो ये बहुत फासला है वोटिंग परसेंटेज। लेकिन राजगोपालन सर, अगर इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करें, फिर ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी को फायदा इस बात का हुआ है कि कांग्रेस और अकाली इसमें वोट बढ़ गया है। ऑफ कोर्स, डेफिनेटली, क्योंकि इसमें डिफीट है राहुल गांधी का है, हरीश रावत का है, क्योंकि हरीश रावत शुरू से ऑब्जर्वर थे, हरीश रावत को 2 जगह हर हो गया, उत्तराखंड पंजाब में, लेकिन आप देखते जाइएगा कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी जीत हो गया, नवजोत सिंह चीफ मिनिस्टर नहीं बना,
उनको तो वो वोट काट लिया है। तीसरी चीज है, मुझे लगता है ये 40% वोट है ये अरविंद केजरीवाल को, दिल्ली मॉडल इज हेल्पिंग हिम। अभी जो फ्री बिजली पानी प्लस जो अभी उधर गन्ना को जो पत्ता आग लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं पोल्यूशन का, पराली करने वाले पता नहीं है दिल्ली में। अवधेश जी, अगर ये यही नतीजे रहते हैं तो आपके हिसाब से ये तस्वीर क्यों बन रही है? देखिए, इसको थोड़ी ज्यादा गंभीरता से देखने की जरूरत है इस तस्वीर को। पंजाब की राजनीति कैप्टन अमरिंदर सिंह के अलग होने के बाद वहाँ की राजनीति एक दिशाहीन राजनीति में परिणत हो गई है। जनता के सामने उसकी चाहत के अनुरूप कोई वैसा पॉजिटिव पॉलिटिकल विकल्प नहीं है कि उसकी ओर जा सके, इसलिए वोटिंग कम हुआ है। दूसरा ये हुआ कि कैप्टन अमरिंदर सिंह निकले तो जरूर उनका एक राष्ट्रवाद के रुझान के प्रति आकर्षण हुआ, लेकिन जिस आक्रामक तरीके से आरंभ में थे उस तरीके से उन्होंने कांग्रेस को तोड़ो मिलाओ या वो कोशिश नहीं हुई है। जो तीसरी स्थिति मुझे ये दिखाई दे रही है कि इस बार एनआरआई वोटर काफ़ी कम संख्या में वोट डालने आए, जो पंजाब की पॉलिटिक्स का एक प्रमुख बात रही है। उसका मतलब है कि पंजाब की राजनीति में एक सेकंड, कद्दावर नेताओं की कमी को देखते हुए इंटरेस्ट घटा है लोगों का। अब उसमें उसका किसी को लाभ चला गया है। मुझे आपको एक मिनट के लिए रोकना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि हरपाल सिंह चीमा लीडर ऑफ ऑपोजिशन आम आदमी पार्टी से हैं, हमारे हमारे संवाददाता हमारे सीनियर रिपोर्टर पुलकित नागर है वहां पर चीमा साहब के साथ। तो पुलकित जी, आम आदमी पार्टी की पूरी मेजॉरिटी नजर आ रही है हमारे इस एग्जिट पोल में, तो चीमा साहब का क्या कहना है, आपका क्या खाना है कहना है आप एग्जिट पोल में आप सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, पंजाब में इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत से, स्पष्ट बहुमत से। मैं बिल्कुल लगभग 80 से ऊपर सीटें जो आम आदमी पार्टी को मिलेगी और पूर्ण बहुमत से एक अच्छी सरकार बनेगी। और इस बार पंजाब के लोगों ने बदलाव के लिए वोट किया। ऐसा मुद्दा है जो काम कर गया? देखिए, मुद्दा यह है कि 70 साल से इन लोगों ने, 5 साल अकाली दल, 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, ऐसे चलता रहा। इस बार पंजाब के लोगों ने आम आदमी को वोट इसलिए किया है क्योंकि लोग सिस्टम को बदलना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल जो है, दिल्ली का गुड गवर्नेंस का मॉडल, अरविंद केजरीवाल स्वास्थ्य पे काम किया है, एजुकेशन के पे काम किया, उसको लोग पंजाब में भी चाहते हैं। इसलिए इस बार पंजाब में बदलाव के लिए वोट हुआ है, अरविंद केजरीवाल जी भगवंत मान के नाम पे वोट हुआ है और सिस्टम को बदलना चाहते हैं पंजाब के लोग। डिप्टी सीएम जैसी पोस्ट भी निकलेगी क्योंकि आपने बहुत तरीके से चीजें रखी है, आप एलओपी रहे और मुद्दे उठाए, तो क्या डिप्टी सीएम वाली पोस्ट भी आप? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो पहले भी वॉलंटियर थे, पहले भी वर्कर थे, आज भी वर्कर हैं, आज भी वॉलंटियर हैं, हम तो बिल्कुल वॉलंटियर की तरह काम करेंगे। हमारा ऐसी कोई अपेक्षा मेरे को नहीं है, बिल्कुल आम आदमी पार्टी के पहले ही वॉलंटियर थे, आज भी हैं, वैसे ही काम करते रहेंगे। चलिए, एलओपी रहे हैं चीमा साहब और बहुत मजबूती से विधानसभा में बहुत सारे मुद्दे उठाए, जो अब ये बात कह रहे हैं कि किन किन मुद्दों के आधार पर पार्टी को मजबूती ग्राउंड पर मिली और किन कौन कौन से ऐसे मुद्दे थे जो इन्हें पंजाब में जिताते हुए एग्जिट पोल में नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, पंजाब के अगर कुछ और सवाल जो हमारे पास है, जो हमने वोटर सवाल से पहले मैं चाहूंगी अपने डायरेक्टर को बताना कि अगर पोल ऑफ पोल के हमारे पास कुछ आंकड़े हैं तो जरूर हमें दिखाइए, क्योंकि सारे हाँ बहुत जल्द हमारे हमारे स्क्रीन पर पोल ऑफ पोल्स का जो आंकड़ा है वो नजर आएगा, तो कम से कम बाकी पोल्स भी क्या नतीजे दिखा रहे हैं वो हम अपने स्क्रीन पर लेंगे। पोल ऑफ पोल का रिजल्ट हमारे सामने आने वाला है, लेकिन हाँ उससे पहले जो हमने मुद्दे उठाए थे पंजाब से, शेड्यूल कास्ट यानी दलित पार्टियों का पसंदीदा पार्टी कौन सी थी? तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए अगर आप कहें दलितों के लिहाज से पसंदीदा पार्टी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बहुत दूर नहीं है, 36% वो 42%, लेकिन 6% का मार्जिन नजर आ रहा है।